नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी तिल का उपटन बनाना। जैसा कि मैं मकर संक्रांति पर्व में बताई हूँ कि तिल का उपटन लगाना चाहिए, तो तमाम हमारी बहनें, तमाम हमारे यूजर बोले हैं कि तिल का उपटन कैसे बनता है। तो मैं आपको सील पर पीस के बता रही हूँ। सील नहीं रहेगा तब भी आप मिक्सी में पीस सकते हैं। तो ये है तिल 50 ग्राम, इसको हम भिगा दिए हैं, 2 घंटा पहले भिगा दिए थे। अब हम इसको पानी से अलग कर लेंगे, छान लेंगे। ये, और अब हम इसको सील पर पीसेंगे। मैं सील पर इसलिए पीस रही हूँ कि सील पर काफ़ी महीन और चिकना पिसाएगा और उसमें मिक्सी में थोड़ा दरदरा हो जाता है, ये खूब चिकना रहेगा। इसको मकर संक्रांति के दिन लगा के शरीर में और स्नान करना है। ये देखिए, ये काफ़ी चिकना है, 2 घंटा ये फूल गया है। जैसे कि आपके यहाँ जितने लोग हैं उस हिसाब से आप तिल को भिगोइए, पूरे शरीर में लगाना चाहिए। उस हिसाब से भिगो के आप तिल को पीस लीजिए और नहाने से पहले सभी तिल के उपटन को लगाएं। तो ये उपटन जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मकर संक्रांति के अलावा अमावस्या के दिन भी लगा के नहाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, जो पर्व अभी आ रहे हैं, इन सभी पर्वों पर आप इस उपटन को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बोली हूँ कि इस दिन गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, तो हमारे बहन भाई बोले हैं कि भाई आप ही ठंडे पानी से नहाओ, ठंडे पानी से नहा के निमोनिया हो जाएगा। और तो मैं बोली हूँ भाई, अब जो ताज़ा पानी होता है वो भी गुनगुना रहता है। एक दिन ऐसे पानी से नहाने से किसी को निमोनिया नहीं होता। आखिर जो नदियों में स्नान करते हैं, सोचिए कितना ठंडा पानी रहता है। इन पर्वों पर तो नदियों में भी स्नान किया जाता है ना, एक दिन नहाने से कोई निमोनिया नहीं होता। यहाँ पूरे महीना कल्पवास करते हैं कल्पवासी, कोई बीमार नहीं पड़ता। आप चाहें, हमने बताया है, आप चाहें तो गुनगुना पानी से नहा सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही चिकना उपटन तैयार हो गया है। तो ये देखिए, ये खूब बारीक चिकना उपटन पिस गया है। तो ये जो उपटन है, इसमें जो तिल है या सरसों जो है, ये सब चीज़ों में तेल पहले से रहता है, इनका तेल निकाला जाता है। इसीलिए इनको जब लगाते हैं शरीर पर तो इसका जो तेलीय पदार्थ होता है उसी से चमड़ा चमकीला और सुंदर होता है। तो जैसे कि मैं बताई हूँ कि आप इस दिन ठंडे पानी से नहाएं, ठंडे यानी ताज़े पानी से, गुनगुना ना करें। तो आपको श्रद्धा है तो आप नहाएं, और कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई जबरन कह रहा है नहाने के लिए। तो देखिए, ये तिल का उपटन है। तो अब हम लगा के दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऐसे आप लगा लीजिए उपटन को ऐसे। और किसी भी चीज़ का असर थोड़ा देर करने से, रखने से होता है। आप ऐसे लगा लीजिए और लगाने के बाद इसको सूखने दें, तुरंत नहीं नहाना चाहिए किसी भी उपाय को करने से, किसी भी चीज़ को करने से। ये देखिए, इसको लगा दीजिए और लगा के ये दे लग गया। अब 5 मिनट इसको छोड़ देंगे तो सूख जाएगा। फिर ऐसे करके रगड़ देंगे ऐसे,
तो जो भी शरीर का थोड़ा बहुत रहता है डैमेज, वो सब ठीक होता है। यानी अगर ज़्यादा दिन लगाए तो ये चमड़ी खूब चमकीली हो जाती है और स्वस्थ रहती है। इसलिए बच्चों को उबटन गाँव में हमेशा आज भी रोज़ लगाते हैं 2-3 बार। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ उबटन, तिल का उबटन लगाना। और ये देखिए उबटन, इसी तरह से उबटन तैयार होता है, इसी तरह से लगाया जाता है। सूखने के बाद उसको छुड़ा दें या सीधे नहा लें। तो इसी तरह का वीडियो हम आपको आगे भी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।